दुनिया में आपने कई खुफिया एजेंसियों के बारे में तो सुना होगा, जैसे भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी का जन्म जहाँ हुआ था, वही के अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी है क्या और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असल में इल्यूमिनाटी 18वीं सदी का एक खुफिया संगठन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कई देशों में आज भी एक्टिव है और खुफिया बैठकें करता है। यहाँ तक कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से किसी को कुछ भी पता नहीं होता, तो कह दिया जाता है कि उसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था, और इसी वजह से इसे एक रहस्यमय संगठन माना जाता है। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बावरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर इंग्लोस्ताद में हुई थी। वहाँ के जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम बिसाफ्ट ने इसकी नींव रखी थी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक ऐसे समाज की शुरुआत करेंगे जहाँ न कोई धर्म होगा और न कोई कट्टरपंथी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लोस्ताद में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर ही भीतर क्या कर रहे थे। एडम का कहना था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची थी जहां मजहब की दीवारें न हो और सबको बराबरी का हक मिल सके। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके मेंबर्स की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के साथ साथ यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट भी शामिल थे। जल्द ही मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगी और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 मेंबर्स जुड़ चुके थे। इल्यूमिनाटी को पहले किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन का मानना था कि तकलीफ में खुदकुशी करना सही काम है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देना सही मानते थे और साथ ही धर्म पर यकीन करने वालों को मूर्ख समझते थे और उन्हें सजा मिलनी चाहिए ऐसा कहते थे। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो लंबे समय बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्या या घटनाएं होती थी, माना जाता था उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ था। कुछ लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में हुई फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी संगठन ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर समय समय पर कई खुलासे भी हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, ये आज तक पता नहीं चल सका। माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक महिला दिखी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल था। इस महिला को द बाबुस्का लेडी के नाम से जाना जाता है। अभी महिला कौन थी इसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका, पर कुछ खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये महिला रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई थी। प्रोफेसर एडम बिसाफ्ट की लिखी एक किताब आज भी इंग्लोस्ताद के म्यूजियम में सुरक्षित रखी है। इस किताब में उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका असली मकसद क्या था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस यूट्यूब चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।